यदि आप लोगों को ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में टीम बनाना नहीं आता तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप लोग ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में टीम क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद कॉन्टेस्ट को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, फिर जाके कैसे हम लोग पैसा को ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर पाएंगे, सब चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, सिंपली आप लोग को क्या करना है, यहाँ से देख लो। तो यहाँ से आप लोग देख लो अभी लाइव मैच क्या चल रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैंने अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे टीम क्रिएट करके कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किया था। जो भी आप लोग मैच ज्वाइन करेंगे तो माई मैचेस का सेक्शन में सबसे टॉप में आपको शो कर देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख लो क्रिकेट का ऑप्शन में आपको आना है, सेक्शन में आना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां से आप लोग देख सकते हैं एशिया कप चल रहा है अभी, यहां पे कल मैच होने वाला है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। हम इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां से फ्रेंड्स आप लोगों के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो करने वाला है। सबसे पहले में आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉन्टेस्ट, फिर माई कॉन्टेस्ट, फिर माई टीम और फिर गाइड। ये सारा चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हमको टीम क्रिएट करना है और कैसे हम यहां से कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगा मेगा कॉन्टेस्ट, इसमें हम क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहां से आप लोग देख लो प्राइस पूल कितना, 25 करोड़ का प्राइस पूल है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा होता है 25 करोड़। किसी को भी यदि यहाँ पे रैंक 1 आ जाता है तो आप लोग यहाँ से 1.5 करोड़ रुपया विनिंग्स में लेके जा सकते हो, 1.5 करोड़ कम नहीं होता है। जैसे कि अभी मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच को ज्वाइन किया तो वहाँ पे था 50 करोड़ का प्राइस पूल और जो एक नंबर पे आएगा उसको 203 करोड़ मिलने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वैसे ही करके यदि आप लोग ड्रीम इलेवन में सही से टीम क्रिएट करते हो तो यहाँ से आप लोग अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। बस एक नंबर नहीं, यदि आप लोग टॉप 10 के अंदर भी आओगे तो आप लोग का अच्छा खासा विनिंग हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख लो यदि आप लोग यहाँ से लाखों का अंदर में भी आओगे, देखो यहाँ सबसे नीचे में आप लोग को लेके चलता हूँ तो आप लोग का फिर भी विनिंग्स होने वाला है। जो आप लोग 49 रुपीज़ लगाते हो ना वो पैसा आप लोग का रिटर्न भी आ जाएगा। तो आप लोग का कोई वेस्टेज नहीं है, बस आप लोग को क्या करना है टीम सही से क्रिएट करना है। और टीम कैसे कहाँ से क्रिएट करना है मैं आप लोग को इस वीडियो में एक्सप्लेन तो करने ही वाला हूँ। इसके अलावा भी आपको एक्सपर्ट का बनाया हुआ यदि टीम चाहिए तो वीडियो को पर लास्ट तक देख लो, मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को एक्सपर्ट का बनाया हुआ टीम कहाँ से मिल सकता है। तो सिंपली सबसे पहले मैं आप लोग को सिखाता हूँ उस टीम को हमें कैसे बनाना है। तो आप लोग ने यहाँ से देख लिया कि कैसे हम रैंक 1 में करने से कितना मिलेगा पैसा। सबसे एक नंबर को मिलेगा 1.5 करोड़, दो नंबर को मिलेगा 35 लाख। वैसे करके नीचे आप लोग आते रहेंगे तो आप लोग का विनिंग्स मिलते रहेगा। तो सिंपली हमें बैक आना है, बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से क्रिएट टीम का ऑप्शन शो कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे नीचे में देख सकते हो, कॉन्टेस्ट के साइड में है क्रिएट टीम, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप लोग इसमें क्लिक करते हो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो करने वाला है। क्रिकेट में आप लोग के पास विकेट कीपर होता है, बैट्समैन होता है, ऑलराउंडर होता है और बॉलर होता है। ठीक है, ये 4 टाइप का प्लेयर्स होते हैं। और फ्रेंड्स यदि 2 टीम का बीच में मैच चल रहा है तो आप लोग एक टीम से 5 भी सिलेक्ट कर सकते हो, दूसरा टीम से 6 सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप लोग को ज़्यादा किसी टीम से सिलेक्ट करना है, आपको लगता है कि जैसे कि बांग्लादेश ज़्यादा अच्छा खेलेगा तो यहाँ से आप लोग 8 प्लेयर को भी रख सकते हो। 8 प्लेयर आप लोग सिंपली बांग्लादेश से ले सकते हो और बाकी 3 प्लेयर आप लोग अफगानिस्तान से ले सकते हो। मैक्सिमम प्लेयर आप लोग एक टीम से 8 ले सकते हो और मिनिमम टीम आप लोग को कम से कम 3 प्लेयर को लेना ही पड़ेगा किसी एक टीम में से। ठीक है, तो वैसे करके हमें यहाँ से टीम क्रिएट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोग के सामने शो करेगा विकेट कीपर का सेक्शन, वहाँ से किसी एक को लेना है तो एक को ले लो, दो को लेना है तो दो को ले लो, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद आप लोग को बैट्समैन का सेक्शन में आना और यहाँ से आप लोग यहाँ से 1 से 2 जो भी आप लोग का यहाँ पे प्लेयर होगा वहाँ से आप लोग जो भी लगता है कि अच्छा खेलेगा, जैसे कि इंडिया का मैच होता है आप लोग ज़्यादातर तो मुझे पता है कि इंडिया के मैच में आप लोग यहाँ पे ड्रीम इलेवन खेलते हो तो ड्रीम इलेवन में आप लोग को पता है कौन सा प्लेयर कैसा खेलने वाला है, वही हिसाब से आपको चूज़ करना है। और यदि फिर भी आप लोग को डाउट आता है कि हम कैसे चूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग को ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा टीम, बस उसे कॉपी करके भी आप लोग पेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख लो ये है ऑलराउंडर शकीबल हसन। जैसे हम लोग किसी भी प्लेयर का प्रोफाइल में हम क्लिक करेंगे या फिर टैप करके रखेंगे उसके बाद आप लोग के सामने प्रोफाइल आ जाएगा कि लास्ट मैच में वो कैसा खेला था। ठीक है, तो जैसे हम शकीबल हसन में टैप करके रखे थे तो वो आ गया, वैसे हम यहाँ से देख लो जी नायब, गुलबदीन नायब ऐसे कुछ नाम है इसका, तो यहाँ में हम क्लिक करते हैं, क्लिक करके होल्ड करके रखना है प्लेयर का। उसके बाद आप लोग के सामने यहाँ पे सारा उसका स्टेट्स शो कर देगा कि ये लास्ट मैच में कैसा खेला था या लास्ट मैच में खेला था कि नहीं। वैसे करके यहाँ से देख लो मैंने अभी राशिद खान का यहाँ पे स्टेट्स स्टार्ट करके दिखा दिया कि अभी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो वैसे देखो यहाँ से विकेट कीपर मैंने 2 सिलेक्ट किया, बैट्समैन मैंने 4 सिलेक्ट किया, ऑलराउंडर मैंने 4 सिलेक्ट किया, बॉलर मैंने 1 सिलेक्ट किया। ऊपर में आप लोग देख सकते हो बांग्लादेश 6 और अफगानिस्तान 5 इसलिए दिखा रहा है, बांग्लादेश का 6 प्लेयर्स मैंने सिलेक्ट किया और अफगानिस्तान का मैंने 5 प्लेयर्स सिलेक्ट किया। तो जैसे यदि आप लोग का टीम बन जाता है उसके बाद आप लोग प्रीव्यू में क्लिक करके यहाँ से अपने टीम को एक बार चेक कर सकते हो कि आप लोग का टीम सही है या नहीं, या फिर आपको एडिट करना है तो आप लोग को क्रॉस में क्लिक करने के बाद फिर से जाके आप लोग को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। पेंसिल का आइकन होगा उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ से एडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लो, उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग का टीम शो कर देगा, फिर हम नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है हमें वाइस कैप्टन और कैप्टन, यहीं से हम लोग का विनिंग्स डिसाइड होता है। यदि आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन सही से सिलेक्ट नहीं करोगे तो आप लोग विन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को जैसे कि मैंने बोला था कि एक्सपर्ट का बनाया हुआ आपको टीम में देने वाला हूँ, उसके लिए सिंपली आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को 2 चीज़ मिलने वाला है, मेरा वीडियोज़ का लिंक भी मिल जाएगा, साथ में जो भी मेरा वीडियोज़ अपलोड होगा सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाता है। उसके अलावा भी आप लोग को यहाँ से ड्रीम इलेवन का एक्सपर्ट का बनाया हुआ टीम मिल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को अच्छा
अच्छा टीम में देने का ट्राई करता हूँ ताकि आप लोग का विनिंग्स हो, ठीक है। और यहाँ से देख लो कि मैं आप लोग को तभी टीम देता हूँ जब आप लोग को यहाँ से विनिंग करने का चांसेस ज्यादा होता है, तभी मैं आपको टीम देता हूँ। हर मैच का आपको टीम नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आप लोग को टीम में दूंगा ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन का, तो आप लोग को बेस्ट से बेस्ट टीम मिलने वाला है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे मिल जाएगा डिसीजन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख लो, हमें कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आप लोग का ऊपर में एक सेक्शन देखने को मिलेगा परसेंटेज सी बाय ऐसे करके शो कर रहा है ना, आपको उसमें क्लिक करना है। वहाँ में यदि आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से प्लेयर को कैप्टन बनाया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 36% है शकीब अल हसन, और उसके बाद साइड में ही आपको मिलेगा परसेंटेज, उसके बाद वी सी बाय मतलब वाइस कैप्टन बाय। यहाँ से देख लो, इसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लो आप लोग राशिद खान को 22% लोगों ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिलेक्ट किया है, वाइस कैप्टन बनाया है। वैसे ही यहाँ से शकीब अल हसन को आपको चूज कर लेना है, आप लोग अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव में क्लिक करना पड़ेगा, उससे पहले फ्रेंड्स आपको बैकअप्स में आ जाना है। और बहुत लोग यहाँ से गलती ये करता है कि वो लोग बैकअप्स में टीम नहीं रखते हैं, फिर बैकअप्स में प्लेयर को नहीं सिलेक्ट करते। आप लोग को जरूर से जरूर यदि बैकअप्स यहाँ पे पॉसिबल है तो आप लोग यहाँ पे बैकअप्स में प्लेयर को रखा करें, ताकि आप लोग यहाँ पे क्या होगा जब भी यदि कोई भी प्लेयर्स खेल नहीं रहा है या फिर कोई भी प्लेयर सब्स्टिट्यूट में है, तो आप लोग का यहाँ पे क्या होगा वो प्लेयर ऑटोमेटिक चला आएगा जो यहाँ पे प्लेइंग 11 में होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग टीम पहले क्रिएट कर देते हैं, लाइनअप्स आता नहीं है, तब जाके हम लोग का क्या होता है कि हम लोग जो प्लेयर नहीं भी खेल रहा वो भी हमारा टीम में आ जाता है। यदि आप लोग बैकअप्स को सिलेक्ट करके रखते हैं तो आप लोग का क्या होगा टेंशन नहीं रहेगा, यदि कोई प्लेयर नहीं भी खेल रहा है फिर भी आप लोग का यहाँ से दूसरा प्लेयर आ जाएगा जो भी आपके बैकअप्स में होगा प्लेयर, ठीक है। तो फ्रेंड्स वैसे ही आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बैकअप्स। उसके बाद किसी भी मैच को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख लो, सिंपली आप लोग को कॉन्टेस्ट में क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ से देख सकते हो आप लोग की बोनस मेरा 21 रुपीज़ यूज़ हो रहा है, और एंट्री भी 21 का, और टू पे यहाँ पे 0 रुपीज़ मुझे पे करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ रहा है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ज्वाइन कॉन्टेस्ट में मैंने क्लिक किया, यदि आप लोग को भी ऐसे मेरी तरह आपको बोनस से ही खेलना है, आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप लोग ड्रीम इलेवन में खेलना चाहते हो, टीम बना के पैसा कमाना चाहते हो, तो वीडियो में बने रहो, लास्ट में आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगा तो आप लोग का कभी यहाँ से पैसा का जरूरत ही नहीं पड़ेगा ड्रीम इलेवन खेलने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख लो, आप लोग को ड्रीम इलेवन का टीम में आ जाना है। यहाँ पे माई टीम्स में आप लोग जाएंगे तो जो भी कॉन्टेस्ट है उसके बाद आपको माई टीम्स में जाना है, फिर जाके आप लोग का टीम का प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हो आप लोग अपना प्लेयर्स को चेक कर सकते हो। उसके बाद आप लोग साइड करेंगे, साइड करने के बाद आप लोग को मिलेगा गाइड का सेक्शन, ठीक है। गाइड का सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोग को नए हैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में टीम बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो यहाँ पे क्या होता है कि गाइड में का ऑप्शन में यदि आएंगे तो बहुत लोग आपको टीम बना ऑलरेडी दे देता है, ठीक है। जो मतलब यहाँ पे ड्रीम इलेवन का अच्छा खासा नॉलेज रखता है उसी का टीम आप लोग यहाँ से ले सकते हो, और यहाँ पे वो उसी का टीम रिकमेंड करता है, कोई दूसरा आदमी यहाँ पे टीम नहीं देता है। अच्छा अच्छा मतलब हम लोग का जैसे आम इंसान का ही बनाया हुआ टीम रहता है, लेकिन अच्छा खासा उसको नॉलेज रहता है फ्रेंड्स। वहीं से आप लोग यहाँ पे क्या करना, पिक दिस टीम में क्लिक करना है, वो उसका टीम में पहले क्लिक करना है। सबसे पहले आपको गाइड में जाना पड़ेगा, उसके बाद पिक दिस टीम में जाना, उसके बाद आप लोग का कॉपी हो जाएगा, फिर यहाँ से देख लो सेव कर लेना। सेव करने के बाद फ्रेंड्स और नीचे में यदि आप लोग आते रहते हैं तो नीचे में बहुत सारा टीम मिल जाता है, और बहुत आदमी यहाँ पे टीम दे रहा है यदि ये सब, लेकिन बड़ा बड़ा कॉन्टेस्ट के लिए होता है जो मतलब ज़्यादा चलता है। फिर फ्रेंड्स यहाँ से हम अपने प्रोफाइल में आते हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ से मेरा बैलेंस को देख लो 13,000, और यहाँ से मेरा ट्रांजेक्शन देख लो माई विड्रॉस में जाकर मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ। यहाँ से डेली में यहाँ से 500 से 1,000 रुपये आराम से अर्निंग कर लेता हूँ। मेरे तरह यदि आपको भी पैसा कमाना है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आप लोग को बेल आइकन में क्लिक करने के बाद ऑल में सेट करके रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक भी मिल जाएगा।